हाँ जी, स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो हम कुछ टाइम के लिए ज़रा ऑफलाइन चले गए थे इस चैनल से और सोच रहे थे कि अपना आपको थोड़ा रिफ़िल करें। तो इस रिफ़िलिंग टाइम के बीच में मैंने कुछ नोटिस किया कि जनवरी वो लास्ट मंथ था जब मैंने इस चैनल पे कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ की थी, और मैं चाहता हूँ कि ये चैनल पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ है ना वो आती रहे। तो आज मैं आया हूँ इमेजी का थीम पार्क, और इमेजी का थीम पार्क एडवेंचर से भरा पड़ा है, वो अब अभी आप देखने वाले हो, क्योंकि मैं आपको बोल के नहीं बताऊँगा, आप वो सब चीज़ देखो और एक्सपीरियंस करो कि क्या इमेजी का आपको दे सकता है। बट आज इमेजी का मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे दो भाई मेरे साथ। पहले हमारे बिग बी हर्षद भाई, क्या हालचाल है भाई लोग? केम छो? एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास, सब बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो हर्षद भाई के साथ हम हमारे सीईओ के साथ भी आए, तो मतलब सॉरी सीईओ के बिना मेरा कोई भी वीडियो अधूरा है। ये वाला ब्लॉग आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई एंड तक देखिए भाई, तबाही वाले फुटेजेस आने वाले हैं, तबाही वाले सिनेमैटिक्स आने वाले हैं, आप टिके रहना एंड तक। डर बैठा जा रहा है और देख के और मज़ा आ रहा है। तो आप लोग एंजॉय करो एडवेंचर पार्क इमेजी का, अब आप एंजॉय करो बस, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, अभी एंजॉय करो। बहुत टाइम बाद धक 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 वाली फीलिंग आ रही है, तो मज़ा आ रहा है। ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। स्टार्टिंग का जो एज होता है ना, पहला ड्रॉप जो था ना भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक था। उसके बाद में भाई होने तो जो होना है वो भाई, मतलब एक्सपीरियंस करना तो इमेजी का आ जाओ। मैंने अभी हम लोग एक और बार जा रहे हैं, वंस मोर। हाँ मजा आ गया भाई, अभी देखो आगे का एडवेंचर, बहुत मजा आने वाला है। भाई दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, बट समर्स में बिल्कुल भी आने की कोशिश मत करना, बिकॉज धूप इतनी ज़्यादा है। और अगर आप समर्स में आ रहे हो तो नंबर वन कैप, नंबर टू सनग्लासेस, और नंबर थ्री पानी। ये रोटी कपड़ा और मकान के हिसाब से लेवल के हैं। देखा, ये लिख के ले लो, UPSC में पूछ सकते हैं। जितने रोटी कपड़ा और मकान इंपॉर्टेंट है, उतने सनग्लासेस कैप और पानी की बॉटल इंपॉर्टेंट है। तो अभी एक बज रहा है और हमने डिसाइड किया कि राइट नाउ अब हम जाएंगे थोड़ा पेट पूजा करने के लिए, अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए, क्योंकि हम लोग सब लोग डिहाइड्रेट हो चुके हैं। उसके बाद जाएंगे हम अली बाबा से बदला लेने का, अली बाबा 40 चोर सबको गिन गिन अली बाबा 40 चोरों को तो मार रही है आज, आज छोड़ेंगे नहीं। बट आप लोग इंजॉय करो, कैसा लग रहा है ब्लॉग कमेंट करके बताओ, और क्वालिटी तो बताओ भाई, क्वालिटी के सारे पैसे इस ब्लॉग में भाई, मतलब देख रहे ब्लर ब्लर हो रहा है सब, मजा आ रहा है। छोड़ो मैं कैसे दिख रहा हूं, बताओ। हां हीरो है, हीरो।
हाँ जी, तो जिसने भी इमेजिका में स्नो पार्क बनाया उसको बहुत सारी दुआ मिलेगी, क्योंकि सारी दुआ हम लोग ने 3 o'clock से लेके 4:30 तक धूप को बीट किया हुआ है सच में। और स्नो पार्क जैसा आपने देखा वो बहुत जबरदस्त था, एक रियल एक्सपीरियंस था, वर्थ था, वर्थ। वेलकम टू कश्मीर, अब वेलकम टू राजस्थान, इतनी गर्मी हो रही है, वापिस 40 degrees में आ गए हैं। ए सीओ मजा, इसको आज सुबह से मजा नहीं आ रहा, पता नहीं इसको मजा कहाँ आने वाला है। तो यस, अभी हम लोग जा रहे हैं डायनासोर राइड पे, मैं डायनासोर पार्क बनने वाला था, मैंने इतने डायनासोर पार्क बना लिए। राइड का नाम है राजासोरस, राजासोरस। तो अगर वहाँ पे शूट करने मिला तो बता दूंगा कि अंदर कैसा है, वरना आपको बाहर से वही दर्शन जो सुबह से दे रहा हूँ मैं। सुबह से मैं आपको एडवेंचर की बात कर रहा था, अब असली एडवेंचर होने वाला है। मतलब एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, मर्द को दर्द नहीं होता पर डर लगता है। दिस इज द अल्टीमेट एडवेंचर ऑफ द इमेजिका पार्क। तो फाइनली हमने आज पूरे दिन एडवेंचर कर लिया, राइड्स के बारे में बात कर लिया, खाने के बारे में बात कर लिया, बट एक चीज़ है, अगर आप लोग इमेजिका जा रहे हो तो आप वो मिस नहीं कर सकते हो, इमेजिका परेड। दिस इज़ द ब्यूटीफुल परेड इमेजिका ने ऑर्गेनाइज किया। एट द एंड ऑफ द डे आप लोग सारी राइड्स इंजॉय करने के बाद इमेजिका परेड इंजॉय करे बिना जाना मत, इतना ब्यूटीफुल परेड है।
हाँ जी, तो ये थी कहानी इमेजी का की हमारी जुबानी कैसे लगी जरा हमें कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं आपसे अगले एडवेंचर में, अगले व्लॉग में। टिल देन लिव योर लाइफ किंग साइज। बाय बाय।